एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश सरकार का फूका पुतला। कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने ही पुतला फूका, पुलिस देखती रह गई। लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिवार से न मिलने पर जताई नाराजगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन को दी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। एटा के धानमील स्थित कांग्रेस कार्यालय से एकत्रित होकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ता। लखीमपुर खीरी में भाजपा के गुंडों ने जो वहां के जो सांसद हैं और हमारे जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, मंत्री ने और उसके बेटे ने, और 8 किसान ऑन स्पॉट मारे गए हैं। हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव है उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका दीदी हैं, किसानों से मिलने के लिए गई तो उनको सीतापुर पर बीच में उनको रोक लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनके विरोध में। और हम जो है आज यहाँ इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, पुतला फूकेंगे, जेल भरो आंदोलन भी शुरू होगा, और जब तक प्रियंका दीदी को मिलने की इजाज़त नहीं मिल जाती है तब तक एटा जनपद के सभी कांग्रेस यहाँ से जेल भरो आंदोलन छेड़ देंगे, जेलों को भर देंगे। ये हमारी रणनीति है, पुतला भी फूकेंगे और जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे।